जो हादसा हुआ है 11 तारीख को, ये बिल्कुल क्योंकि जो हादसे की साइट है वो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के साथ है, तो हमारी कंपनी ग्रीन को किशोरन प्रोजेक्ट नारी है, एडमिनिस्ट्रेशन का हर लिहाज से हेल्प कर रही है। पहले हादसे के पहले दिन से ही अभी तक 20 बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के फिगर्स हैं, और उसमें अभी 9 रेस्क्यू होना भी बाकी है एज़ पर द एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स IITBP है, NDRF है, पुलिस है, आर्मी है, वो लगी हुई हैं, और स्थानीय निवासी भी हैं या जिनके रिलेटिव्स इस हादसे में मारे गए हैं वो भी अपनों की तलाश में यहाँ बैठे हुए हैं। उनके लिए कंपनी की तरफ से चाहे वो रिफ्रेशमेंट है या लंच है, हर तरह का प्रबंध किया जा रहा है, और उनको अगर किसी सहायता की ज़रूरत होती है वो तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और आज कितने दिन हो गए और कितनी बॉडीज रिकवरी की है ये, और किस तरह से ये प्रयास हो रहे हैं आपकी ओर से? ये रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन चला हुआ है, जिसमें हमारे NDRF की 2 टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। जैसा कि कल तक लैंडस्लाइड लगातार चला हुआ था, लेकिन आज सुबह से लैंडस्लाइड थोड़ा रुका हुआ था, तो हमारी दोनों टीमें जो है मौका वारदात तौर पर घटनास्थल पर पहुँची और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह में शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारी टीम ने एक डेड बॉडी रिकवर की, उसके बाद अभी 2 डेड बॉडी और रिकवर कर ली, टोटल अभी तक 3 बॉडी रिकवर की जा चुकी है। तो क्या दिक्कतें आज भी आ रही थी इसमें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है क्या आज भी? रेस्क्यू ऑपरेशन में आज जैसा कि जहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है तो उसको जैसे हम सर्चिंग के लिए डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो वो जो नीचे का बेस है खाली होने पर वो मलबा नीचे की तरफ बैठ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा रेस्क्यू को हमारे बहुत कठिनाई सामना कर।